नमस्कार, क्यू वाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम पत्रकारिता में निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के पक्षधर हैं और इन मूल्यों पर प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की कवर स्टोरी, स्पेस की दुनिया में एलन मस्क रचेंगे नया इतिहास। अरबपति एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी एक और कीर्तिमान रचने को तैयार है। स्पेसएक्स ने अपने बेहद पावरफुल नए रॉकेट सिस्टम स्टारशिप को लेकर अहम परीक्षण किया है, जिससे अब तक से सबसे भारी रॉकेट की लॉन्चिंग की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे पहले इतिहास में 6 दशक पहले सबसे वजनी N1 रॉकेट को कई तरह से लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। अब सबकी नजरें स्टारशिप पर लगी हैं। स्टारशिप को लेकर इंजीनियरों ने रॉकेट के निचले खंड पर लगे 33 में से 31 इंजनों को एक साथ जलाया, जिसे स्थैटिक फायर कहा जाता है। हालांकि ये फायरिंग महज चंद सेकंड तक ही चली, किसी भी तरह की हलचल को रोकने के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया। मस्क का ये प्रतिभाशाली स्टारशिप रॉकेट जब अपनी पहली उड़ान भरेगा तो ये स्पेस इतिहास में सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट सिस्टम बन जाएगा। ये बहुत जल्द होने वाला है और अगले कुछ हफ्तों में लॉन्चिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि स्पेसएक्स गुरुवार को अपनी टेस्टिंग के परिणाम से संतुष्ट है। स्टारशिप का वजन 1.50 लाख किलोग्राम है, जबकि इससे पहले सैटर्न वी की सफल लॉन्चिंग की गई थी, जिसका वजन 1.18 लाख किलोग्राम था। स्थैटिक फायर की टेस्टिंग टेक्सास मेक्सिको बॉर्डर पर बोका चिका में स्पेसएक्स के R&D फैकल्टी में की गई थी। एलन मस्क ने ट्विटर पर इस टेस्टिंग को लेकर जानकारी देते हुए बताया था कि टीम ने टेस्ट से पहले एक इंजन को बंद कर दिया था और दूसरा इंजन खुद ही बंद हो गया, जिससे कुल मिलाकर 33 में से 31 इंजन सक्रिय रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कक्षा तक पहुँचने के लिए अभी भी इसमें पर्याप्त इंजन रहा। भले ही टेस्टिंग के दौरान इसमें एक साथ बहुत सारे इंजन एक्टिव नहीं रहे, फिर भी यह कंसर्ट में काम करने वाले इंजनों की संख्या के लिहाज से पर्याप्त था। ये संभवतः N1 रॉकेट के बेहद करीब है, जिसे सोवियत संघ ने 1960 के दशक के अंत में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने को लेकर तैयार किया था। इस रॉकेट के 2 रिंग्स में से 30 इंजन लगे थे, लेकिन N1 अपनी सभी 4 उड़ानों में नाकाम रहा और फिर उसे रद्द कर दिया गया। स्पेसएक्स सुपर हैवी बूस्टर सभी 33 मॉडर्न पावर यूनिट्स के साथ N1 की तुलना में लॉन्चिंग पैड से करीब 70% अधिक ताकतवर होना चाहिए। यहां तक कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया मेगा रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसने पहले साल नवंबर में पहली उड़ान भरी थी, स्टारशिप की तुलना में बौना दिख रहा है। मस्क को अपने रॉकेट से खासी उम्मीदें हैं। अरबपति उद्योगपति इसका उपयोग सैटेलाइट्स और लोगों को पृथ्वी की कक्षा में तथा उससे आगे भेजने के लिए करना चाहते हैं। नासा ने पहले ही स्पेसएक्स को एक ऐसा वर्जन तैयार करने के लिए अनुबंधित कर लिया है, जो चंद्रमा पर एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए अपने आर्टेमिस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल स्पेसएक्स अब इस बात को लेकर अपने डेटा की समीक्षा करेगा कि टेस्टिंग के दौरान सभी 33 इंजनों में आग क्यों नहीं लग सकी। साथ ही लॉन्च पैड का भी निरीक्षण करेगा कि शॉर्ट फायरिंग के दौरान वहां पर क्या कोई नुकसान हुआ था। नमस्कार, क्यू वाइब नेटवर्क के लिए मैं ऋचा।